स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। दरअसल केरल में राहुल गांधी द्वारा बिना नाम लिए अमेठी पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं 15 साल तक उत्तर भारत में सांसद था, मुझे एक अलग ही तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बेहद नया था क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और जमीनी तौर पर मुद्दों के विस्तार में जाने वाले हैं। उनके इस बयान पर स्मृति ईरानी ने उन पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी पटकनी दी थी राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने, और राहुल के इस बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें घेरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम के जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। तो ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से राहुल गांधी को घेरते हुए दिया गया है। दरअसल ये ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर से हमलावर हो गई है बीजेपी, और योगी आदित्यनाथ बोले, विभाजनकारी राजनीति तो आपके संस्कार में है।